काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बन रहा है उस कॉरिडोर के लिए कितने ऐतिहासिक मंदिर तोड़ दिए मोदी जी ने, और वहाँ पे शिवलिंग क्या जो भगवानों की मूर्तियां नालियों में बह रही हैं। अगर आप ताजमहल के कमरे खुलवाए जाएंगे तो उन 22 कमरों में किसी कमरे में आपको बेरोजगारी मिलेगी, किसी कमरे में आपको महंगाई मिलेगी, किसी कमरे में आपको इनके बलात्कारी बैठे मिलेंगे। आप ये बात भूल जाओ कि उस कमरों के अंदर और कुछ मिलेगा। और सोचने की बात है, कब्रों के नीचे तुम मंदिर ढूंढ रहे हो, कब्र के नीचे मंदिर? आपको सबको पता है कि ताजमहल क्या है, एक कब्र है, उस कब्र ग्राह में तुम मंदिर ढूंढ रहे हो? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आज तुम वहां पे, आज मैं कहता हूं तुम औरंगजेब की कब्र खोद दो, इससे बढ़िया शाहजहां की कब्र खोद दो और उनकी कब्रों से पूछ लो, भैया तुमने कौन कौन से मंदिर तोड़ के कहां का मस्जिद बनाए हैं, हमें भी बताओ, हम वहां तुम्हारी मस्जिदें गिराएंगे। आप बताइए, मंदिर की खुदाई करो या मस्जिद की खुदाई करो, इससे किसका भला हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कोर्ट को यह फैसला देना नहीं चाहिए था कि जाओ और वहां पर सर्च करो। ये तो कोई तरीका ही नहीं बनता जा करके कि तुम किसी धार्मिक स्थल पे जाओ, उनके ताले खोलो और वहाँ पे हिंदू धर्म के तुम प्रावधान अप्लाई करो कि वहाँ मस्जिद के अंदर क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा। और वैसे तो बहुत से लोग बता रहे हैं फुवारा निकला है वहाँ पे, और ये कह रहे हैं शिवलिंग निकली है वहाँ पे। तो ये चीज़ सोचने वाली बात है कि इनको सबसे पहले ही पता है कि यहाँ पे ये चीज़ निकलेगी। ये वही चीज़ हो रही है, आपको पता होगा, हम पुरानी फिल्में देखते थे, किसी को अगर फंसाना होता था विलन ने तो उसी के घर के अंदर स्मगलिंग डाल दी पुलिस वालों ने, उसी के घर के चरस गांजा निकल गई, और जब तहकीकात की जाती थी तो कहते थे इसके घर से चरस बरामद हुई है, इसके घर से हथियार बरामद हुए हैं। तो ये सरकार की मिली एक चाल है और कुछ नहीं है, देश का माहौल ख़राब करने के लिए। हम तो देश के हिंदू और मुसलमान दोनों पक्षों से निवेदन करते हैं कि भाईचारा बना के रखो, सरकार के बहकावे में आके एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होकर कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो पुरातत्व विभाग है हमारे देश का, क्या उसने जांच करी एकदम से जो बता दिया कि शिवलिंग है ये? देखिए, वही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर ताले खोलने में शिवलिंग मिली है तो वहाँ पे मुसलमानों ने इतने समय से वहाँ शिवलिंग क्यों रखी हुई थी? मुसलमान तो शिवलिंग को बहुत पहले साइड कर देते, वो क्यों चाहते, जबकि देश में वो जानते हैं कि उनके अगेंस्ट एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, एक माहौल सेट किया जा रहा है, तो वहाँ पे वो शिवलिंग को क्या करते? क्या मुसलमान वहाँ शिवलिंग की पूजा करते थे? तो उनके लिए तो वो शिवलिंग किसी काम का नहीं था, उनके धर्म का हिस्सा नहीं है। तो आज सोचने की बात ये है, ये सिर्फ और सिर्फ वो है सरकार का। और आप पुरातत्व विभाग की बात कर रहे हो, मैं तो कहता हूँ भारत के पुरातत्व विभाग को छोड़ करके आप विदेशों में भेजो तो पता लग जाएगा, ये फुवारा भी कोई ज़्यादा पुराना नहीं, 5-7 साल पुराना होगा, जिस पर काई लगी होगी, जिसको शिवलिंग का नाम दे रहे हैं। और अगर आप शिवलिंग की बात करो तो आपको भी पता होगा इन्होंने कितने मंदिर तोड़े हैं। काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बन रहा है उस कॉरिडोर के लिए कितने ऐतिहासिक मंदिर तोड़ दिए मोदी जी ने, और वहाँ पे शिवलिंग क्या जो भगवानों की मूर्तियां नालियों में बह रही हैं? क्यों नहीं खड़े होते हिंदू पक्ष के लोग, क्यों नहीं सरकार के अगेंस्ट धावा बोलते? उस समय इनका धर्म कहाँ जाता है जब शिवलिंग के टुकड़ों को मंदिर में नालियों में बहाया जा रहा है, और सरकार द्वारा काशी के अंदर इतने काशी कॉरिडोर बनाए जाने के लिए इतना कुछ तोड़ा जा रहा है ऐतिहासिक मंदिरों को? तो ये सवाल है कि लोग सरकार के प्रोपेगेंडा में फंस रहे हैं, सरकार एक जाल लेके बैठी है, जिन जाल के अंदर अंधभक्त फंस जाते हैं और जोर जोर की चिल्लाते हैं और देश का माहौल खराब करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि तेजो महल बताया जा रहा है, ताजमहल को वहाँ भी जो है कमरे खुलवाए जाएंगे। देखिए, आप ताजमहल के कमरे खुलवाओ, हम तो खुद कह रहे हैं खुलवाओ, हर कमरे के अंदर देश का एक मुद्दा छिपा हुआ है। मैं आपको फिर बता दूं, अगर आप ताजमहल के कमरे खुलवाए जाएंगे तो उन 22 कमरों में किसी कमरे में आपको बेरोजगारी मिलेगी, किसी कमरे में आपको महंगाई मिलेगी, किसी कमरे में आपको इनके बलात्कारी बैठे मिलेंगे। आप ये बात भूल जाओ कि उस कमरों के अंदर और कुछ मिलेगा। और सोचने की बात है, कब्रों के नीचे तुम मंदिर ढूंढ रहे हो, कब्र के नीचे मंदिर? आपको सबको पता है कि ताजमहल क्या है, एक कब्र है, उस कब्र ग्राह में तुम मंदिर ढूंढ रहे हो? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आज तुम वहाँ पे, आज मैं कहता हूँ तुम औरंगजेब की कब्र खोद दो, इससे बढ़िया शाहजहां की कब्र खोद दो और उनकी कब्रों से पूछ लो, भैया तुमने कौन कौन से मंदिर तोड़ के कहाँ का मस्जिद बनाए हैं, हमें भी बताओ, हम वहाँ तुम्हारी मस्जिदें गिराएंगे, हम सारे मुसलमानों के। अरे आगरा का ताजमहल हमारे देश के विश्व के 8 अजूबों में से एक है, तुमने तो विश्व में कालक पहुँच दी, तुमने तो पूरे विश्व को ख़राब करने का काम किया। एक अजूबा जो 8 अजूबों में शामिल होता है, तुम उसके अगेंस्ट खड़े हो गए अपने सिर्फ धार्मिक एजेंडे को पूरा करने के लिए? आज ये चीज़ लोगों को सोचने की ज़रूरत है। आज ताजमहल पे लांछन लग रहे हैं, कल लाल किले पे लांछन लगेंगे, उसके बाद देश की सारी मस्जिदों पे लांछन लगेंगे। धीरे धीरे ये RSS और BJP वाले जितने मुस्लिम एरिए हैं, जितनी मुस्लिम जगहें हैं, इन सबको तोड़ करके वहाँ मंदिर और मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाने का काम करेंगे, जिससे देश का भाईचारा ख़राब होगा। और ये नफरत का व्यापार कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। लेकिन हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि यहाँ वाकई में जो जाति हुई थी हिंदू धर्म के लोगों पर। अरे सरकार काम करे बेरोजगारी पे, सरकार काम करे महंगाई पे, सरकार काम करे रोजगार पे, सरकार काम करे किसानों के हित के लिए। सरकार काम ही गलत डायरेक्शन में कर रही है तो क्यों नहीं प्रॉब्लम होगी भाई? सरकार मंदिर मंदिर में उलझा करके लोगों को देश के सारे मुद्दे गायब करती जा रही है। देश में एक मुद्दा ऐसा नहीं बचा जिससे देश का भला होता हो। आप बताइए, मंदिर की खुदाई करो या मस्जिद की खुदाई करो, इससे किसका भला हो रहा है? आप ये बात बताइए। आज सिर्फ और सिर्फ मंदिरों के नाम पे इनके घोटाले होते हैं।
आपको बताऊं, राम मंदिर के नाम पे अरबों रुपए का घोटाला हुआ सरकार के द्वारा, करोड़ों रुपए का। इनके कितने सारे बंदे, कितने सारे नेता उसमें कमाइयां करके गली गली झोला फैला फैला के राम मंदिर के नाम पे 50-50, 100-100 रुपए की पर्चियां कटवाई, और वो लाखों रुपए जो इकट्ठा किए चंदे का वो भी हड़प गए इनके ब्लॉक अध्यक्ष, इनके मंडल अध्यक्ष। राम मंदिर के जो खाते में गया वो 10% गया, बाकी 90% इनकी जेब में गया। अरे ये मंदिरों की और मस्जिदों की राजनीति करके देश का भाईचारा खराब कर रहे हैं, और इससे देश का कोई भला नहीं होगा। अगर देश में मुद्दे ढूंढने हैं तो ये शिवलिंग मत ढूंढो। आज कण कण में हिंदुस्तान की मंदिर में, मस्जिद में, हर जगह भगवान रहते हैं। देखिए, हनुमान चालीसा मंदिर में पढ़ी जानी चाहिए, सड़कों पे पढ़ने का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। आज सड़कों पे तुम पढ़ रहे हो, आज एक तरफ तुम कहते हो मुसलमान मस्जिदों के बाहर बैठ करके सड़कों पे उसको पढ़ते, तुम उसका विरोध कर रहे हो, तो तुम भी तो वही काम कर रहे हो। आज एक तरह से देखा जाए तुम धर्मों को सड़कों पे लेके क्यों आ रहे हो? धर्म सिर्फ मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे में अच्छे लगते हैं, सड़कों पे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो क्या राजनीति हो रही है? ये राजनीति का तो मुद्दा बन चुका है। हमारे देश में जो धार्मिक एजेंडे हैं, धार्मिक प्रोपोगेंडा है, यही तो हमारे देश को खराब कर रहा है। आज जब तक हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति चलती रहेगी, हमारा देश कमजोर होता रहेगा। हमारे देश में बात होनी चाहिए पुलवामा में जो शहीद हुए जवान, उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी, उनके ऊपर इंसाफ कब होगा। हमारे देश में जो देश के मुद्दे हैं वो सब दफन है, सिर्फ मंदिर मस्जिद की राजनीति है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। इससे आम आदमी क्या भला होगा हनुमान चालीसा करने से? देखिए, आम आदमी का भला हो या ना हो, हमारा देश जो है धार्मिक स्तर पर एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है। आज ये चीज समझने की जरूरत है, लोग धर्मों में बट करके आपस में लड़ाई कर रहे हैं, नफरत का व्यापार कर रहे हैं, एक दूसरे को देख करके उनसे लड़के हाथापाई कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये माहौल हमारे देश को कहीं से कहीं तक नहीं लेके जाएगा। नफरत से किसका भला हुआ है जो आज हमारे देश का भला होगा? आज ज्ञान व्यापी के तहत जो उन्होंने प्रोपेगेंडा करा है, वो प्रोपेगेंडा के ही हम अगेंस्ट हैं। अगर कहीं पे धार्मिक चीजें हैं तो उनका सम्मान होना चाहिए, हम तो मानते हैं, पर आज ये धार्मिक चीजों का सम्मान नहीं कर रहे, उन धार्मिक चीजों को राजनीति में मिक्सर करते जा रहे हैं, ये राजनीति में मिलाते जा रहे हैं। धर्म राजनीति से जब तक अलग रहेगा, धर्म भी बढ़ेगा और देश भी बढ़ेगा। जब धर्म राजनीति का हिस्सा बन जाएंगे तो ना धर्म बढ़ेंगे ना राजनीति से देश अच्छा मजबूत होगा। नहीं, जिस आदमी ने रिपोर्ट लीक करी उस पर केस नहीं होना चाहिए? देखिए, केस किसी पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सरकार के फेवर में है। जो चीज सरकार के फेवर में होगी उस पर केस नहीं होगा, जो चीज सरकार के अगेंस्ट होगी उस पे केस होगा। पूरी मीडिया चिल्ला रही है कि शिवलिंग है, शिवलिंग है वहाँ। देखिए, अब एक वीडियो और वायरल हुई है कि वो तो फुब्बारा निकला। देखिए, आज उसकी पुरातत्व विभाग को जानकारी होनी चाहिए, पुरातत्व विभाग उसकी जानकारी ले कि वो शिवलिंग है या वो फुवारा है, वो क्या है, कितने साल पुराना है, और वहाँ पे अगर मस्जिद बनी है तो कितने साल पुरानी मस्जिद है। तो अगर उसके मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो शिवलिंग उसका पुराने टाइम की होनी चाहिए। आज तो पुरातत्व विभाग एक चीज़ों का पता लगा के ये बता दे हड़प्पा संस्कृति के समान है, तो आज ऐसा क्या चीज़ है कि उसके ऊपर पुरातत्व विभाग की जाँच कमेटी नहीं बैठ रही? ये जाँच होनी चाहिए। जब तक किसी चीज़ की जाँच होकर के क्लियर ना हो जाए, उसको सार्वजनिक कभी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उससे देश के माहौल के अंदर बहुत फर्क आता है, देश में नफरत का व्यापार होता है। आज हम कहते हैं कि शिवलिंग हो या फुवारा हो, वो कुछ भी निकला हो, उसकी जांच होनी चाहिए, और उसकी जांच के बाद ही पता लगेगा कि हमारे देश के अंदर पुरातत्व विभाग कितना सक्षम था उन चीजों का पता लगाने में। लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद तो हमने शहीद कर दी, इसे शहीद नहीं होने देंगे। देखिए, ओवैसी तो जान के ऐसे बयान देता है जिससे देश का माहौल खराब होता है। ओवैसी कोई दूर नहीं है, वो भी बीजेपी का बिठाया हुआ एक आदमी है। जब बीजेपी को यह समझ में नहीं आता है कि आज हमारा बचापक कौन करेगा, तो मुसलमानों को भड़काने का काम ओवैसी करता है। आपने ये चीज देखी, आपको पता होना चाहिए यूपी इलेक्शन में, पूरे यूपी इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को 39% वोट पड़े हैं, 39% वोट के बाद वो अपनी सरकार बना गए। 61% वोट किसको पड़े? सिर्फ विपक्ष को। और 61% वोट में मायावती ने ऐसे ऐसे कैंडिडेट खड़े करे, ओवैसी ने ऐसे ऐसे कैंडिडेट खड़े करे जिन्होंने बीजेपी की वोट कटिंग ना करके कांग्रेस की वोट कटिंग की या अखिलेश की वोट कटिंग की। तो आज यही चीज समझने की जरूरत है, ये जिन जगहों पर अगर हमें पता हो कि हम जीत भी नहीं सकते या हमारा कुछ नहीं है तो हम अपने गढ़ को संभालेंगे ना। ओवैसी को हैदराबाद संभालना चाहिए, और बाकी चीजों के लिए दूसरे देश की जो एक नैतिक, जो एक बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टी है उनको बने रहने देना चाहिए। राष्ट्र बनना है भारत, हिंदू राष्ट्र सिर्फ नेपाल से, और वह नेपाल ही रहेगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, वहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता आया है और सभी धर्मों का सम्मान होता आएगा। युगों युगों से भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की रूप में बना हुआ है, और युगों युगों तक जब तक दुनिया रहेगी तब तक भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बना रहेगा। तमाम संत कसम खा रहे हिंदू राष्ट्र बनाकर। देखिए, हिंदू राष्ट्र आप हिंदू राष्ट्र बनाओ, अपने मन में बनाओ। आप हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब क्या कहते हो? आपकी नज़र में हिंदू राष्ट्र का ये मतलब है कि आज हमारे देश से सभी धर्मों को मिटा दिया जाए? आज सभी हिंदू राष्ट्र, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कितने सारे धर्म हमारे देश के अंदर सम्मानीय हैं, उनका सम्मान कहीं नहीं मैटर करता। आज तुम सिर्फ और सिर्फ जो है एक हिंदू राष्ट्र बना करके हिंदू, आज सबसे बड़ी बात हिंदुस्तान का नाम ही हिंदुस्तान है, तो उस नाम से खुश हो जाओ। नहीं नहीं, संविधान में हिंदुस्तान नहीं है, उसमें भारत है, हम जानते हैं, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप हिंदुस्तान नाम से खुश हो जाओ। आप हिंदू राष्ट्र बना करके देश को क्यों नफरत में बांट रहे हो? आज देश के अंदर नफरत फैला करके देश से भला नहीं होता। मैं आपसे फिर बात यही कहना चाह रहा हूँ, आज हिंदुस्तान है, भारत हो या इंडिया हो, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश था और धर्मनिरपेक्ष
एक देश रहेगा, जब तक दुनिया रहेगी भारत के ऊपर से धर्म निरपेक्ष का टैग कोई नहीं छीन सकता। 1925 से आरएसएस कोशिश करता आ रहा है, ये बात याद रखना आप, पर कभी कामयाब नहीं हो पाया।